तो देखिए, रात भर उड़द दाल को हमने अच्छे से पानी में भिगोया है और ये अच्छे से भीग गया है। इसको दरदरा पीसेंगे मिक्सी के जार में, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि ये भीगा हुआ है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, इसको दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए, इसको हम अच्छे से पीस लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं है, हल्का दरदरा है ये। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पीसिए। 500 ग्राम उड़द दाल लिए थे और उसमें हम एक गिलास, इस गिलास से हम एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी, इतना पानी लगा है। तो ध्यान से, ज़्यादा गीला ना हो, ध्यान रहे कि इस तरह से हाथ से उठाइए तो ये बड़ी अच्छे से बन सके। अब इसको कितने लोग सोचते हैं कि रात भर भिगोने के बाद मिक्सी में पीस दिए हैं तो ये अच्छे से तैयार हो गया है, लेकिन नहीं। उसको बड़े बर्तन में लीजिए और अच्छे से हाथों से उसको फेंटिए, और तब तक फेंटिए जब तक वो किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि वो ऊपर आ रहा है कि नहीं। अगर बड़ी ऊपर इस तरह से आ रहा है तो समझ जाइए आपका जो है बड़ी परफेक्ट तरीके से बनेगा, बिल्कुल फ्लफी बनेगा। तो देखिए, अब हम जब तक हमारा बड़ी रेडी हो रहा है तब तक हम तवे पे जीरा और एक लाल मिर्च भून लिए हैं। इसको हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे और ये छाछ लिए हैं, मट्ठा है, दही से इसको मट्ठा बनाए हैं। और इस मट्ठे में स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला हो। देखिए इस तरह हम रखे हैं छाछ को। आप दही में डालना चाहती हैं तो पानी में डाल कर डालिए, नहीं तो एब्जॉर्ब करता है तो बहुत कम हो जाता है। इस तरह से बना लीजिए दही को फेंट के, ज़्यादा पतला नहीं तो अच्छा बनेगा। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और जीरा, एक मिर्च जो भून के रखे हैं, सब कुछ डाल के इसको रेडी करेंगे। तो देखिए, बड़ी को हरदम मीडियम लो फ्लेम पे तलिए ताकि अंदर तक ये पक जाए, और फॉग वाली चम्मच लेके इसको कहीं कहीं होल्ड कर दीजिए। देखिए, दो चम्मच लिए हैं, एक से पकड़ रहे हैं, एक से इस तरह से होल्ड कर दे रहे हैं ताकि अंदर तक तेल जाए और अच्छे से ये पक जाए। अब ये अच्छे से पक गया है, इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए, साफ पानी लेना है और उसमें सभी बड़ी को डाल दीजिए। अच्छे से फूलने के कारण देखिए ऊपर ऊपर पानी में तैल रहा है। पानी में डाल करके इसको हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते हुए और पानी को हल्का सा निचोड़ते ही इसको जो है छाछ में डाल देना है, जो आप दही बना के रखी हैं उसमें डाल दीजिए। इसी तरह सभी दही बड़ा को तैयार कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से दही बड़ा बन के रेडी होता है।